तेज प्रताप यादव का मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार और बताने का मन कर रहा है क्योंकि इन्होंने 4600 का डोनेशन दिया है। अच्छा, राम कृपाल यादव का बताइए। सर, राम कृपाल यादव जी का 1 लाख था। 1 लाख जी। टीम अभिमन्यु है जो लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना दिया है? सर, वो शुरू से हमारी मदद कर रहे हैं। वो रामकृपाल यादव जी से पहले ही हमारे घर आए थे, उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैं अपने पापा को भी लेकर आऊँगा, तो वो शुरू से सर हमारी मदद कर रहे हैं और अभी तक मदद कर रहे हैं। मैंने नेताओं में कहिए तो एक यही है जिन्होंने अच्छे खास मतलब दिल से मेहनत किया है। बिल्कुल सर, अपनी टीम की तरफ से पूरा हेल्प कराया है। चंदन सिंह लोजपा के नेता हैं, इन्होंने कितना दिया है? ये 1 लाख ये दिए थे और इनकी मम्मी भी आई थी, उन्होंने भी 1 लाख उन्होंने भी एक लाख दिया था। राकेश पांडे वो सर 5 लाख दिए थे, वो ब्रेवो फार्मा के ओनर हैं। अच्छा, एक बार फिर से बताइए किस चीज़ का ओनर? ब्रेवो फार्मा के ओनर हैं जिन्होंने हाईएस्ट व्यक्तिगत तौर पे डोनेशन 5 लाख। हाँ सर, 5 लाख दिया है। तो आप सभी दर्शकों से मैं कहूँगा कि जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है वो सिर्फ 5 लाख ही है, वो राकेश पांडे ने दिया है। और इसके बाद मुकेश शाहनी है जी सर, इन्होंने 2 लाख अपनी 1 महीने की सैलरी दे दी थी। एक महीने की सैलरी 2 लाख इन्होंने अपनी दे दी थी, है ना। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जी सर, इन्होंने भी 1 लाख की मदद की थी। इन्होंने भी 1 लाख जी सर, वो आईटीआई के अध्यक्ष। और रितु जायसवाल सर, उनका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि वो दी थी या नहीं दी थी, बस हमको इतना बता दीजिए 10,000 से ज़्यादा दी थी कि कम दी थी। सर वो मुझे याद ही नहीं है सर कि, बट इतना तो याद होगा ना। अच्छा, 50,000 से ज़्यादा दी थी कि कम दी थी? सर नहीं, उतना तो सर देती तो हम लिखते, लेकिन उनका याद ही नहीं है सर, वो कुछ दी भी थी कि नहीं। दी भी होंगी तो सर वही 2,000-5,000 से अंदर ही रहा, मतलब 10,000 के अंदर ही है अगर दी भी होंगी। हाँ, अगर दी भी होंगी तो। तो ये डोनेशन बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है सच में बताऊं तो, लेकिन ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये निगेटिव न्यूज़ के बाद ये लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ही डोनेशन दे दिया गया। तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े सूरवीर जिनके पास इतना पैसा आता है या आता होगा कि ये लोग 4 व्हीलर से चलते हैं, वो भी उसमें भी BMW, जब इतने बड़े बड़े लोग इतना ज़्यादा डोनेशन दे रहे हैं तो आम आदमी की हैसियत ही कितनी होगी जो वो इतना ज़्यादा डोनेशन दे दे कि इन लोगों का घर इतना खूब मतलब एक बच्चे के बहाने घर ही चलने लगे। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, माँ हमेशा अपील करती आई हैं, लेकिन मैं अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि जब इतने बड़े बड़े सूरवीर जब इतना ज़्यादा डोनेशन दे रहे हैं तो आप लोगों को सामने आना चाहिए और ढंग से डोनेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप आम आदमी से बढ़ के भी कोई होता है, क्योंकि आम आदमी में वो ताकत होती है जो इतिहास रच सकता है, इतिहास बना सकता है। और जब दूसरे दूसरे राज्यों और दूसरे दूसरे शहरों में अयांश जैसे बच्चे ठीक हो सकते हैं वो भी बिना कंट्रोवर्सी के, तो ये बिहार के आन बान और शान की बात है कि कोई लड़का बीमार होता है, ऐसे में टाइप 1 की बीमारी है, माँ 5 हॉस्पिटल का कागज़ दिखाती है, कुछ पत्रकार सामने आते हैं और कहते हैं कि बीमारी नहीं है और बिहारवासी उस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उसे बीमारी है कि नहीं, और इस बीच डोनेशन आना बेहद कम हो जाता है। तो मैं आखिरी में बस अपील करूंगा और दिल से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि जितना हो सके उतना आप लोग डोनेट कीजिए, क्योंकि सच में बच्चे की हालत ख़राब है।